नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं सेवई की खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। काजू, किशमिश, बादाम, चिरौंजी दाना, मखाना, शुगर, घी और ये सेवैयाँ। चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे कढ़ाई रखेंगे और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम पे और इसमें डाल देंगे घी। घी हमने एक ही चम्मच लिया है। हमारा गरम हो गया है, इसमें डाल देंगे सेवैयाँ। ये बहुत पतली पतली सेवैयाँ हैं, बहुत पतली वाली है। अब हम इसको इस तरीके से अच्छे से भून लेंगे। भूनते टाइम इसको ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाती है, तो गैस को बिल्कुल मद्दी रखना है। ये देखिए सेवैयाँ अच्छे से भून चुकी है। अब इसे हम निकालेंगे इस प्लेट में और गैस को बंद कर देंगे। ये एक बर्तन में हम दूध ले लेंगे, तो हमने ये आधा किलो दूध लिए हैं और इसमें आधा गिलास पानी डाल देंगे। हम गैस ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और दूध को गर्म होने देंगे। ये दूध हमारा अच्छे से पक गया है, ऊपर आने लगा है, तो हम गैस को बिल्कुल मद्दी कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे शुगर। डाल देंगे और इसको इस तरीके से थोड़ा सा चला लेंगे। अब डालेंगे मखाना, चिरौंजी दाना, बादाम और ये काजू और किशमिश हम बाद में डालेंगे क्योंकि किशमिश खट्टी होती है, तो कहीं दूध फट ना जाए इसे किशमिश बाद में डालते हैं। और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। थोड़ा सा गैस को तेज कर दिए हैं, ये देखिए, और इस तरीके से इसको चला लेंगे। अब हम गैस को फिर से मद्दी कर देंगे और डालेंगे सेवैयाँ। जो हमने ये भून करके सेवैयाँ रखी थी ये डाल देंगे इसी में, क्योंकि इसको ज्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी पक जाती है। तो पूरा सामान डालने के बाद इसको डालें और इसको इस तरीके से चला लेंगे। अब हम इसी स्टेज पर डाल देंगे किशमिश और अच्छे से चला देंगे इस तरीके से। अब हमारी सेवैया बंद करके तैयार हो गई है, गैस को बंद कर देंगे। चलिए हम चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारी सेवई की खीर बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।